सूरज जो है वो सामने चलू हो रहा है, और यहाँ पे आप देखें जो दूध को एजिटेट करके जो मक्खन निकालते हैं, होममेड प्रोसेस होता है वो जारी है सारी है। घर से थोड़े से फासले पर एक नलका लगा हुआ है, यहाँ से ये लोग खाने पकाने और पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। ये फैमिली जो है रात इधर सोए थे इन चार पहियों पे, अभी देखें ये अपने बिस्तर वगैरह जो है वो क्लोज कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ये लोग बाहर सोते हैं। कबूतर भी रखे हुए हैं, ये देखें जी कबूतर रखने का इनको शौक है। ये तो कबूतर लेके आप ऐसे आ रहे हो जैसे चोर निकाल के आता है। इनके पास दूध का मसला है तो छोटे बच्चे को दूध पिलाने के लिए देखते हैं बकरी का दूध निकाल रहे हैं फीडर में। बाजी इसको मज़ीद कितनी देर लग जाएगी? 15-20 मिनट लग जाएंगे। फ्रेंड्स देखें काफ़ी हद तक जो है ना मक्खन के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये लिक्विड फॉर्म में जो वाइट कलर में है ये लस्सी है, और ये येलो कलर में जो आपको नज़र आ रही है झाग झाग सी ये मक्खन है। तो मज़ीद थोड़ा प्रोसेस है, उसके बाद जो है ये हार्ड फॉर्म में मक्खन का एक पेड़ा बन जाएगा। एक फैमिली की नाश्ते की तैयारियाँ जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी अम्मा जी आटा गूंथ रही है। हाँ जी, ये जो आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं ये आप लोगों का रिवाज है या शौक से पहनते होते हैं आप? रिवाज है। अच्छा ये रिवाज होता है, ये रिवाज। अच्छा ये लाजमी होती हैं पहनना या अगर कोई अपनी मर्जी से नहीं भी पहनता तो कोई मसला नहीं? अपनी खुशी नाल पहनते। अच्छा अपनी खुशी नाल। हाँ जी, अब तो वो जदीद वो आर्टिफिशियल बैंगल्स वगैरह आ गई है, अब वो चूड़ियाँ वगैरह पहन लेती हैं। अगला रिवाज फिर पानी। उठते ही पहला काम जो होता है वो चाय बनाना होता है। ये भी सुबह सुबह चाय बनाई जा रही है तो बच्चे जो है चाय पियेंगे, उसके बाद बाकी काम जो होते हैं घर के रूटीन वाइज ये करते हैं। फिर बेच बेच वाला घर का टोरा टोरू के नशा भी लूट। हाँ ये तो है, जाहिर सी बात है दूध तो फिर बेच देते हैं आप। दूध बिक जाता है। अच्छा कितने अरसे से आप रह रहे हैं यहाँ पे इस गाँव में? इस गांव में हो गया है कोई तकरीबन 40-45 साल। बड़ा शौक है आपको चाय पीने का? कितने प्याले पी जाती हो सुबह सुबह चाय के? हाँ कितने पी लिए हैं पहले? अच्छा अभी पहला पी रहे हैं। देखें काफ़ी देर के प्रोसेस के बाद फाइनली मक्खन जो है वो बन चुका है और लिक्विड फॉर्म में लस्सी अलहदा हो गई है। अभी इसी मक्खन से इन्होंने पराठे वगैरह बनाने हैं और नाश्ता करना है। बच्चे ये देखें बड़ी शिद्दत से इनको इंतज़ार है कि लस्सी पिए। भूख लगी है काफ़ी, देखें बड़ी शिद्दत से इनको इंतज़ार है कि लस्सी बने, लस्सी पिए, नाश्ता करें। अम्मा जी ने तंदूर जला ली है और अभी रोटियाँ लगाएंगी। अम्मा जी रोटियाँ लगानी हैं? अच्छा इस चूल्हे का मेरे ख्याल में एक फ़ायदा ये है कि आप इस पे हांडी भी बना सकते हैं। हांडी बना सकते हैं, रोटी पक। ज़बरदस्त, यानी आपने आसानी सोची है अपनी। हाँ भाई बालन तो नहीं। हाँ ये फिर बालन का खर्चा कम होता है ना। हाँ सही है, बन जाती है।
इधर ही रोटियां लगाएंगे और इधर ही हांडी बना लेंगे। घर के सहन में एक बड़ा फशीशम का दरख्त है जिसकी घनी छांव में ये लोग दोपहर के टाइम बैठ जाते हैं। तो चार पाइयां जो है ना ये लोग छांव में रख रहे हैं। ये देखें जी घर में इन्होंने कुत्ता पाल रखा है, बड़ा शरारती है और बड़ा तेज है। यार वो बकरी उधर भी तो ठीक बांधी हुई थी, यहाँ क्यों लेके आए इसको? इसको छांव। अच्छा धूप है ना, आप छांव में लेके आए हो। एक फैमिली ने उधर रोटियां लगाई हैं तंदूर पे और दूसरी फैमिली जो है वो यहाँ पे रोटियां लगा रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पे तंदूर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हांडी के लिए भी इस्तेमाल होता है और रोटियां बनाने के लिए भी ये तंदूर इस्तेमाल होता है। आप अकेले बैठ गए हो? हाँ आपको अकेले बिठा के चले गए हैं? सारे छोड़ के चले गए हैं आपको? किधर है आपकी मम्मा, किधर है आपका पापा, किधर है? अच्छे बच्चे हो आप, तो रोते नहीं हो है? अकेले बैठे हो फिर भी नहीं रोते, अच्छे बच्चे हो। ओए स्कूल जाते हो? स्कूल जाया करोगे? नहीं जाया करना। नुकर में पड़ी प्लेट लिया।
यहाँ पे जी सुबह के नाश्ते के लिए अंडे बनाए जा रहे हैं और साथ ही ये दूसरे तंदूर पे रोटियाँ लगाई जा रही हैं। घर से थोड़े ही फासले पर ये हैंड पंप लगा हुआ है और ये लोग पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए और रोज़मर्रा की रूटीन के लिए यहाँ पर पानी इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के बर्तन में ये पानी भर के ले जाएंगे। पानी काफ़ी देर तक पड़ा रहता है और उसके बाद ठंडा हो जाता है। एक कैमरे जो है ये यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नाश्ते में ये मिर्च का झूठा जो भी आती है और रात का आपका वो कलम है। ये देखिए हर तरफ मुर्गियाँ मुर्गियाँ, अभी ये मुर्गी को दाना बुनकर डाला जा रहा है। ये घर की पालतू मुर्गियाँ जो इन्होंने शौक से पाल रखी हैं। यार को पांच चार साल आए जाने को बोल रहे हो। पांच चार का लगा फ्रेंड, देखें कितना प्यारा घर है। हर तरफ देखें मुर्गियां, छोटे छोटे बच्चे, फैमिलीज बैठे हुए, हर बंदा अपने अपने काम में बिजी है। किधर लेके जा रहे हो मेमने को, इसको कहाँ लेके जा रहे हो? पुठे। वाह वाह, ख्याल करना किसी की कपास में ना छोड़ देना। हाँ, नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। अभी ये देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता लगा रही हैं। बच्चे भी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि नाश्ता लगी और खाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बच्चों को भूख लगी है। फाइनली नाश्ता तैयार हो चुका है। अभी ये बच्चे देखें मज़े से बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ये देखेंगे नाश्ते में जो है वो मक्खन और ये अंडा और साथ ही जो है मक्खन निकाला गया था उसके पराठे। हाँ भी मज़ा आ रहा है। हम्म,